इस कहानी में हमने अब तक देखा कि अनाया ये सब बड़ी ही खतरनाक आवाज में कह रही थी, जिससे वह मौजूद सबकी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। सबको अंदर से बेहद डर लग रहा था। निखिल और उसके दोस्त भी डर के मारे कांप रहे थे। निखिल तो पहले ही दर्द से तड़प रहा था। उसके दोनों हाथ की हड्डियां अनाया के हाथ मोड़ने से टूट गई थी, जिससे उसको बेहद दर्द हो गया था। ऊपर से उसको जमीन पर धक्का देने से उसकी पीठ में भी लगी थी। इस वक्त उसकी हालत अदमारी से हो गई थी। ऊपर से अनाया की डरावनी और जानलेवा आवाज से उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। वो बस अभी किसी भी समय बेहोश होने के करीब था। अब उसको अनाया से पंगा लेने पर पछतावा हो रहा था, पर अब उसका कोई भी फायदा नहीं था। अब तो जो होना था वो हो गया था। अनाया अपनी बात और निखिल को वार्निंग दिया। वहां पर मौजूद किसी के भी तरफ बिना देखे अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। निखिल का दोस्त जो वहां पर प्रिंसिपल और टीचर को लेकर आया था, वो और उसके साथ प्रिंसिपल और टीचर को भी अनाया से एक अनजान सा डर लगने लगा था। अब आगे अनाया के वहां से अपने क्लास में चले जाने के बाद प्रिंसिपल और टीचर वहां पर मौजूद सारे स्टूडेंट को वहां से अपने क्लास में जाने को कहते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल निखिल ओब्रॉय और उसके दोस्तों को टीचर के मदद से पास के हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। उसी के साथ प्रिंसिपल वहां मौजूद कुछ स्टूडेंट से वहां आखिर हुआ क्या है, किसने शुरुआत की, इन सबको इसके बारे में पता लगाते हैं। तब जाके उनकी पता चला ये सब निखिल ने ही शुरू किया था और उसकी ही गलती है। वो इसे ही अनाया को कुछ नहीं कह सकते थे। वो जानते थे कि अनाया किसकी बेटी है। वो अनाया के डैड जो कि इस स्कूल के ट्रस्टी के साथ ही मित्तल ग्रुप के सीईओ है, वो उनको नाराज नहीं कर सकते थे। इसलिए निखिल और उसके दोस्तों को हॉस्पिटल में दाखिल कर वो वापस स्कूल आकर टीचर के साथ बातें कर के निखिल और उसके दोस्त और साथ में ही अनाया के पेरेंट्स को भी कॉल करके स्कूल बुलाते हैं। अनाया इस वक्त अपनी क्लास अटेंड कर रही थी। उसी के साथ रावी भी बैठी थी। उसने भी अनाया को निखिल और उसके दोस्तों के साथ फाइट करते देखा था, तो वो अनाया का ये रूप देखकर एक पल के लिए डर ही गई थी। फिर वो निर्मल हो गई, क्योंकि उसको पता था अनाया ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि निखिल और उसके दोस्त जान बुझे के स्टूडेंट को तंग करते थे। इन्हीं के वजह से कितने ही स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिए था, इसलिए रावी को उनके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो खुशी के साथ अनाया के पास बैठकर लेक्चर अटेंड कर रही थी। उनकी क्लास के सारे लड़कियां और बॉयज अनाया का आज ये रूप देखकर डर गए थे। अभी भी उनको अनाया से डर लग रहा था और यही कुछ हालत सामने पड़ा रही टीचर का भी था। वो अच्छे से जानती थी कि वो अनाया को ऑफेंड नहीं कर सकती थी। अगर उसने ऐसा किया तो उसको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता था। इधर मित्तल ग्रुप में जब हर्षवर्धन मित्तल अपने कंपनी के डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट के हेड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहे थे, वहां का माहौल बेहद ही खतरनाक था। मीटिंग में मौजूद हर एक एम्प्लॉय के माथे पर पसीना आ रहा था। सब बेहद ही डरे हुए थे। आज उनके बॉस पहले से ही किसी कारण गुस्से में थे और अब उनने अचानक सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट के हेड की मीटिंग बुलाई थी और हर एक से उनकी पूरे मंथ की रिपोर्ट मंगाई थी। साथ में अगर इन रिपोर्ट में कोई भी गलती होती तो शायद उनको फायर किया जा रहा था। आज उनके बॉस बेहद गुस्से में थे। वहां मौजूद सभी एम्प्लॉय भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे वो उनके बॉस के गुस्से से बच जाए। वो लोग ये सब सोच ही रहे थे कि तभी वहां पर फोन की रिंग सुनाई दी, जिसे सुनके सबके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। सब डर के मारे एक दूसरे को और अपना मोबाइल चेक करने लगे। हालांकि उन सब ने ही मीटिंग रूम में आने से पहले ही अपना मोबाइल साइलेंट कर लिया था, फिर भी वो सब चेक कर रहे थे। सबको पता था उनके बॉस को मीटिंग के टाइम में कोई भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं था। हर्षवर्धन जी गुस्से से देख ही रहे थे किसका फोन बज रहा है। तभी उनके पीछे खड़ा उनका असिस्टेंट उनसे कहता है, बॉस आपका फोन है। उस पर हर्षवर्धन जी एक बार फोन के स्क्रीन पर देखते हैं, है तो ये उनके खास आदमी
का फोन था किसको उनने अनाया के सेफ्टी के लिए उसके पीछे लगाया था, जो कि अनाया को सबकी और अनाया की नजरे से भी दूर रहकर खतरे से बचाता था। अपने खास आदमी का फोन देखकर हर्षवर्धन के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उनकी पता था राका उनको ऐसे ही कॉल नहीं करता अगर बात जरूरी ना हो तो, इसलिए वो जल्दी से उसका फोन उठाते हैं। साथ में अपनी ठंडी नजर मीटिंग रूम में मौजूद लोगों पर कर उनको मीटिंग रूम से जाने को कहते हैं। उनके ऐसे कहते ही वहां बैठे एम्प्लॉय जल्दी से उस रूम से भाग जाते हैं, जैसे वो कोई बड़े संकट से बच गए हो। पर वो इस बात से शोक में भी थे, उनका बॉस कभी भी मीटिंग रूम में फोन नहीं यूज करते, आज उनने कॉल अटेंड किया, इसका मतलब जरूर कोई जरूरी बात हो। सबके मीटिंग रूम से जाते ही हर्षवर्धन मित्तल राका का फोन उठाते हैं। वो कुछ बोलते उससे पहले ही राका की आवाज उनके कानों में पड़ती है। राका की बात सुनकर उनके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। हर्षवर्धन मित्तल अपनी चेयर से उठकर जल्दी से मीटिंग रूम से बाहर निकलते हैं, साथ में ही अपने असिस्टेंट को कार निकलने को कहते हैं। उनका असिस्टेंट भी अपने बॉस का ऑर्डर सुनकर ड्राइवर को कॉल कर कार रेडी करने को कहता है। हर्षवर्धन जी और उनके साथ उनका असिस्टेंट सोहेल दोनों ही सीईओ की प्राइवेट लिफ्ट से पार्किंग एरिया में एंटर करते, जहां पर कार पहले से रेडी थी। हर्षवर्धन जी जाके सीधा कार में बैठ जाते और नितिन आगे की सीट पर। उनके बैठते ही ड्राइवर कार को श्रेया के स्कूल, जिसका नाम था आरएचएम स्कूल, उनके कर के आगे 3 और पीछे 3 बॉडीगार्ड की कर चल रही थी। कुछ ही समय में हर्षवर्धन मित्तल की गाड़ियों का काफिला आरएचएम स्कूल के आगे आकर रुकता है। स्कूल में अभी तो सबके लेक्चर ही चल रहे थे, पर जिनके लेक्चर ऑफ द जो स्टूडेंट बाहर थे वो सब स्कूल में इतनी सारी महंगी गाड़ियों को आता देखकर एक पल के लिए शोक ही हो गए थे। हर्षवर्धन मित्तल कार से निकलकर प्रिंसिपल के केबिन की तरफ बढ़ते हैं। उन्हीं के पीछे उनका असिस्टेंट एंड बॉडीगार्ड भी चल रहे थे। प्रिंसिपल के केबिन का माहौल इस वक्त बेहद ही गर्म था। इस वक्त निखिल के पेरेंट्स और निखिल, जिसके दोनों हाथ में प्लास्टर थे, उसी के साथ चेहरे पर छोटी मोटी खरोचे थे, वो एक व्हील चेयर पर वहां पर बैठ था। उसी के साथ उसके फ्रेंड्स और उनके पेरेंट्स भी थे। सब प्रिंसिपल से जिस भी लड़की ने उनके बेटों के साथ ये सब किया है उसको स्कूल से रेस्टिकेट करने को कह रही थे। प्रिंसिपल के तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो आखिर करे क्या, वो अनाया को स्कूल से नहीं निकल सकता था कि स्कूल ही उसके डैड का था, और वो अपने सामने बैठे हुए निखिल ओब्रॉय के डैड को भी कुछ नहीं कह सकता था। वो भी अच्छे खासे बड़े बिजनेसमैन थे, पर मित्तल ग्रुप के आगे कुछ नहीं थे। अखिलेश ओब्रॉय निखिल के पिता अपनी कड़क आवाज में और ढेर सारे गुस्से के साथ प्रिंसिपल से कहते हैं, प्रिंसिपल सर, आप मेरे बेटे की और उसके दोस्तों की कंडीशन देख ही रहे हो, उनको कितने बहरामी से मारा गया है, वो भी छोटी सी स्टूडेंट ने, उसकी आगे ही कितनी होगी, यूं ही कोई 15, फिर भी वो इस आगे में कितनी खतरनाक है, हम इसे स्टूडेंट जो इस स्कूल में नहीं रख सकते, आपको अभी के अभी उसको रेस्टिकेट करना होगा। अखिलेश ओब्रॉय ने बस इतना ही कहा था कि तभी उस केबिन का डोर एक जोर के आवाज के साथ खुला और उसी के साथ अखिलेश और वहां मौजूद सबके कानों में एक खतरनाक और डरावनी आवाज आई, किसकी इतनी हिम्मत की वो मेरी बेटी को उसी के स्कूल से बाहर निकलने की बात कह रहा है। अमन बस इतना ही कहा था कि वहां पर बैठे सभी की हालत खराब हो गई जब उन लोगों ने देखा कि हर्षवर्धन मित्तल उनके सामने है, जिससे मिलने के लिए महीनों वेट करना पड़ता था अपॉइंटमेंट लेने के लिए। फिर जब उन लोगों ने उनकी बातें सुनी तो उन लोगों की डर से हालत खराब हो गई। वो लोग समझ गए कि वो अभी जिस लड़की को स्कूल से निकलने को कह रहे वो और कोई नहीं बल्कि हर्षवर्धन मित्तल की इकलौती बेटी है। प्रिंसिपल ने जब हर्षवर्धन मित्तल को आते देखा तो वो अपनी चेयर से खड़े हो गए और उनको आदर पूर्वक चेयर पर बैठने को कहा। हर्षवर्धन जी के आते ही उस रूम में जो भी थे सब खड़े हो गए थे। हर्षवर्धन जी जाकर एक चेयर पर बैठ जाते और उस रूम में मौजूद सभी पर अपनी नजर डालते हैं, जिससे सबकी हालत खराब हो जाती है।
हर्षवर्धन जी उस रूम में मौजूद सबको एक नजर देखने के बाद अपनी तीखी नजर प्रिंसिपल पर डालते हैं, जिससे प्रिंसिपल के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। वो हर्षवर्धन मित्तल की तरफ देखकर, जी कुछ भी सुबह को स्कूल में हुआ वो सब शुरू से लेके अंत तक हर्षवर्धन जी को बताते हैं, जिसे सुनने के बाद हर्षवर्धन जी के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आता। उनको पहले उनके खास आदमी राका ने जो कुछ भी हुआ था उसके बारे और स्कूल के गेट पर लगी सीसीटीवी फुटेज सेंड कर दी थी, जिससे उनको सब पता चला गया था। प्रिंसिपल की बातें सुनने के बाद वो एक नजर अपने सामने बैठे अखिलेश ओबरॉय की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर अखिलेश ओबरॉय, अब आप क्या कहना चाहते हो? आपके बेटी की गलती होने के बाद भी मेरी बेटी को रेस्टिकेट किया जाए? उनकी बात सुनकर अखिलेश ओबरॉय को ठंडा पसीना आने लगा, उन्हीं के साथ बैठे बाकी सबको भी, क्योंकि वो लोग तो इतने पावरफुल नहीं थे, वो तो ये पर बस अखिलेश ओबरॉय के ही सहारे थे। अखिलेश ओबरॉय हर्षवर्धन मित्तल की बात सुनकर गिरगिट की तरह अपनी बात बदलना शुरू करता है। वो हर्षवर्धन मित्तल से कहता है, मिस्टर मित्तल, मुझे इस बारे में पता नहीं था, मैंने तो बस अपने बेटे की ऐसी हालत देखी तो मुझे उस लड़की की ही गलती लगी, इसलिए मैंने उसको रेस्टिकेट करने को कहा था। हर्षवर्धन मित्तल अपनी कड़क आवाज में कहते हैं, इसका मतलब आप बिना पूरी सच्चाई जाने ही फैसला सुनाते हो क्या? आप ऐसा की अपनी कंपनी चलाते हो क्या? हर्षवर्धन जी की बात सुनकर अखिलेश ओबरॉय को गुस्सा तो बेहद आ गया, पर वो अपनी मुट्ठी कसकर पकड़कर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हर्षवर्धन जी उन लोगों पर ज्यादा अपना टाइम बर्बाद करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो सीधा कहते हैं, मेरे पास सारे सबूत है कि निखिल ओबरॉय ने किस तरह की हालत की, उसकी हरकत के मुताबिक तो मेरी बेटी ने उसके साथ जो भी किया वो बिल्कुल ठीक ही है, और मैं ऐसे स्टूडेंट को अपने स्कूल में नहीं रख सकता था जिससे बाकी स्टूडेंट पर भी इसका गलत इफेक्ट पड़े। वैसे भी निखिल ओबरॉय के खिलाफ और भी बेहद सारी कंप्लेंट अब तक आ चुकी थी, उन सबको देखते हुए उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है और उसके दोस्त को एक वार्निंग देकर स्कूल में रखा जाता है, पर एजरेज से उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आई तो उनको स्कूल से निकाला जाएगा। उनके इतना कहते ही निखिल ओबरॉय और अखिलेश ओबरॉय का बड़ा झटका लगा। वो कुछ कहते उससे पहले ही हर्षवर्धन जी आगे कहते हैं, मिस्टर ओबरॉय को मेरे इस फैसले से आई होप कोई इतराज नहीं होगा, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। मेरे पास जो सबूत उसके बलबूते पर आपके बेटे को जेल जाने पड़ सकती है, वो 18 का तो हो ही गया होगा, है ना? उसने जो गुनाह किया उसके मुताबिक उसको तो 1 मंथ की जेल हो ही सकती है। हर्षवर्धन मित्तल की कहे गए शब्द सुनकर अखिलेश मित्तल जो कहने वाला था उसने वो अपने अंदर ही दबा दिया और अपने चेहरे पर जुटी मुस्कान लिए हर्षवर्धन मित्तल को अपने बेटे के खिलाफ केस ना करने के लिए थैंक यू कहकर अपने बेटे को लेके वहां से चला गया। उसको गुस्सा तो बेहद आ रहा था, पर अब वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो वहां से चुपचाप निकलने में ही अपनी बलाय समझता है। उनके वहां से जाते ही हर्षवर्धन मित्तल रूम में मौजूद सब पर एक नजर देखते हैं तो निखिल ओबरॉय के दोस्तों के पेरेंट्स अपने हाथ जोड़कर अपने बेटों को एक चांस देने के लिए हर्षवर्धन मित्तल का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो जानते थे RHM स्कूल शहर का सबसे बड़ा और अच्छा स्कूल था, ये पर एडमिशन मिलना बेहद ही मुश्किल था। शहर के सारे बड़े लोगों के बच्चे यहीं पर पढ़ते थे, ये स्कूल हर एक मामले में नंबर 1 पर था, तो वो कटाई नहीं चाहते थे कि उनके बेटों को इस स्कूल से निकाल जाए। उसके बाद उनको इस शहर में अच्छा स्कूल मिलना मुश्किल था, क्योंकि एक बार अगर इस स्कूल में निकाला गया तो दूसरे स्कूल में उनको आसानी से एडमिशन नहीं मिल सकेगा। उन 3 लड़कों के पेरेंट्स साथ में ही हर्षवर्धन मित्तल से कहते हैं कि आगे उनके बेटी से कोई ऐसी गलती नहीं होगी, इस बात की सुअरिटी देकर अपने बेटों को लेके उस रूम से चले जाते हैं। अब वहां पर बस हर्षवर्धन मित्तल, उनका असिस्टेंट सोहेल और प्रिंसिपल और उनके साथ कुछ टीचर थे। हर्षवर्धन जी उनकी तरफ देखकर उनको कुछ ऑर्डर देकर वहां से चले जाते हैं।
अभी प्रिंसिपल रूम में क्या क्या हुआ इन सब से बेखबर अनाया इस वक्त अपना लेक्चर अटेंड कर रही थी और वही पूरे स्कूल में निखिल ओबेरॉय को स्कूल से निकाले जाने की खबर फैल गई थी। सब अलग अलग बातें कर रहे थे। मित्तल मेंशन में आज स्कूल में क्या हुआ इस बात की खबर दादी तक भी पहुंच चुकी थी। उनके भी आदमी अनाया के सेफ्टी के लिए उसके पीछे थे। उनने ही उनको फोन करके सब बता दिया था। वो स्कूल जाने के लिए निकल ही रही थी कि उनको पता चला कि उनके बेटे ने सब संभाल लिया है। वो अभी स्कूल में ही प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं तो उन्होंने राहत की सांस ली। अब उनको चिंता करने की कोई बात नहीं थी। दूसरी तरफ जब ये खबर सुरभि तक पहुंच गई थी उसको एक बड़ा धक्का लगा। वो शोक में ही चली गई थी। आज उसको सुबह से ही धक्के पर धक्के लग रहे थे। पहले तो अनाया का बदला हुआ बिहेवियर, उसको निखिल को पीटना और अब निखिल को स्कूल से निकलने की बात। उसको इस बात पर यकीन था ये सब अनाया के विजेदे ही हुआ है। वो इस बात को अच्छे तरह से जानती थी। ये स्कूल अनाया के डैड का था। वो इस स्कूल के सबसे बड़े ट्रस्टी भी थे। सुरभि के सारे प्लान फेल हो रहे थे। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये सब कैसे हो रहा है। वो इस वक्त बेहद ही परेशान थी। उसको बार बार अनाया का अपने क्लास में जाते वक्त उसको खतरनाक तरीके से गुरन याद आ रहा था। जैसे वो उसको ऑनिक दे रही थी। उसी के साथ अनाया को ये भी पता चला है कि ये सब जो हुआ है उसमें उसका ही हाथ है। पर वो इस बात से सुअर नहीं थी। अनाया को इस सब में उसका हाथ था इस बारे में पता चला है या नहीं। मित्तल मेंशन में आज स्कूल में क्या हुआ इस बात की खबर दादी तक भी पहुंच चुकी थी। उनके भी आदमी अनाया के सेफ्टी के लिए उसके पीछे थे। उनने ही उनको फोन करके सब बता दिया था। वो स्कूल जाने के लिए निकल ही रही थी कि उनको पता चला कि उनके बेटे ने सब संभाल लिया है। वो अभी स्कूल में ही प्रिंसिपल से बात कर रहे है तो उन्होंने राहत की सांस ली। अब उनको चिंता करने की कोई बात नहीं थी। दूसरी तरफ जब ये खबर सुरभि तक पहुंच गई थी उसको एक बड़ा धक्का लगा। वो शोक में ही चली गई थी। आज उसको सुबह से ही धक्के पर धक्के लग रहे थे। पहले तो अनाया का बदला हुआ बिहेवियर, उसको निखिल को पीटना और अब निखिल को स्कूल से निकलने की बात। उसको इस बात पर यकीन था ये सब अनाया के विजेदे ही हुआ है। वो इस बात को अच्छे तरह से जानती थी। ये स्कूल अनाया के डैड का था। वो इस स्कूल के सबसे बड़े ट्रस्टी भी थे। सुरभि के सारे प्लान फेल हो रहे थे। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये सब कैसे हो रहा है। वो इस वक्त बेहद ही परेशान थी। उसको बार बार अनाया का अपने क्लास में जाते वक्त उसको खतरनाक तरीके से गुरन याद आ रहा था। जैसे वो उसको ऑनिक दे रही थी। उसी के साथ अनाया को ये भी पता चला है कि ये सब जो हुआ है उसमें उसका ही हाथ है। पर वो इस बात से सुअर नहीं थी। अनाया को इस सब में उसका हाथ था इस बारे में पता चला है या नहीं। उसके बाद वो मित्तल मेंशन में ही बने अपने स्टडी रूम में जाके अपना काम करने लगते है। इधर स्कूल में अनाया को भी निखिल को स्कूल से निकलने के बारे पता चल गया थे। पर वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती क्योंकि उसको पता चला गया था कि ये किसने किया है। उसके डैड के सिवाय ये कोई और कर ही नहीं सकता था। अनाया अपनी क्लासेस के बाद स्कूल के म्यूजिक रूम में जाके सिंगिंग कंपटीशन में वो को सॉन्ग गाने वाली है उसकी प्रैक्टिस करने लगती है। अनाया ने जैसे ही आप सॉन्ग गाने लगी वैसे ही सबका ध्यान उसकी तरफ ही चल गया था। मुझको इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सिहाई से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। अनाया की आवाज सुनकर सब लोग अपना काम छोड़कर उसके पास आकर इकट्ठा हो गए। उसके आवाज में एक जादू था जिससे सबको अपनी तरफ खींच रहा था। ये तक कि म्यूजिक रूम की खिड़की और डोर खुल होने की वजह से उसकी आवाज बाहर तक जा रही थी और जिसने भी उसकी आवाज सुनी वो सब म्यूजिक रूम की तरफ बढ़ गए थे। सबने म्यूजिक रूम के बाहर भीड़ लग दी थी। सबको ये जानना था कि इतनी मधुर आवाज है तो किसकी, पर किसी को भी अंदर गा रही अनाया का चेहरा नजर नहीं आ रहा था।
क्योंकि उसके आसपास म्यूजिक रूम में जो स्टूडेंट थे उन लोगों ने अनाया को घेर लिया था जिस बाहर खड़े स्टूडेंट को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो सब उसकी मधुर आवाज आसानी से सुन सकते थे। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झिनके सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी हम सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है, और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी चंदा भी दीवाना है तेरा। जलती है तुझसे सारी चकुरियां काजल की सिहाई से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां लव स्टोरियां। अनाया अपनी आंखें बंद करके गाने को महसूस करके गए रही थी, जिस वजह से गाना सुनने में बेहद ही अच्छा लग रहा था, दिल को सुकून दे रहा था। सुर भी वहां पर गाने की आवाज सुनकर आई थी, वो भी देखना चाहती थी कि अंदर कौन है जो इतना अच्छा गाना गा रहा है। वो जब म्यूजिक रूम में आके अनाया को घेर कर खड़े हुए स्टूडेंट को साइड करके देखती है तो उसको अपनी आंखें बंद करके अनाया गाना गाती हुई दिखती है, जिसे देखकर थोड़ी देर पहले जो उसके चेहरे पर खुशी थी वो अब गुस्से में बाद गई थी। वो अपनी आंखों में देर सारा गुस्सा मार लिया अनाया को ही घूर रही थी। केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया केसरिया तेरा इश्क है पिया केसरिया तेरा। अनाया जब अपना गाना कंप्लीट करके अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आसपास इतने स्टूडेंट को देखती है तो वो शोक हो जाती है। सारे स्टूडेंट उसकी तरफ ही देख रहे थे, उनके आंखों में एक अलग ही खुशी और सुकून था जो अनाया का गाना सुनकर उसके चेहरे पर आ गया था। जब सब लोग देखते ही कि गाना खत्म हो गया है तो सब लोग तालियां बजाने लगते हैं, जिसे सुनकर अनाया के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान खिल जाती है, जिसे देखकर वहां मौजूद हर एक स्टूडेंट मंत्रमुग्ध हो जाता है। अनाया अपना गाना खत्म करके वहां से रावी के साथ चली जाती है। उसके वहां से जाने के बाद बाहर उसका गाना सुन रहे लोगों को पता चलता है कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अनाया की थी, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते है। सिंघानिया इंडस्ट्री। इस वक्त अयान अपने केबिन में बैठकर अपने लैपटॉप पर फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। उसके चेहरे पर ब्लैक मास्क लगा हुआ था, जिससे सिर्फ उसकी नीली आंखें ही दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर में उसकी मीटिंग KTM हो जाती और वो जिस प्रोजेक्ट पर ये मीटिंग कर रहा था वो प्रोजेक्ट सिंघानिया इंडस्ट्री को मिल चुका था। जैसी से उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी, क्योंकि उसने इस एक प्रोजेक्ट के लिए बेहद मेहनत की थी। पिछले 6 महीनों से वो इस एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसे मिलने के बाद सिंघानिया इंडस्ट्री टॉप 10 कंपनी से टॉप 5 पर आने वाली थी। अयान के केबिन का गेट नोक होता है तो वो बाहर जो भी उसे अंदर आने को कहता है। 7 में उसका असिस्टेंट राज एंटर करता है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखी जा सकती थी। अयान जो अभी कुछ फाइल चेक कर रहा था, उसे जब महसूस होता है कि उसके आगे कोई खड़ा है पर वो कुछ बोल नहीं रहा है तो वो अपना चेहरा ऊपर कर उसके तरफ देखता है। उसके ऐसे देखने से राज होश में आके अपनी लड़खड़ाती हुई जबान में कहता है, बॉस हमारी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन कुछ महीनों पहले लीक हो गई थी उसके बारे में पता लग गया है। उसकी बात सुनकर अयान कहता है, ये तो अच्छा बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो। जिस पर अयान का असिस्टेंट राज कहता है, बॉस अगर उस शख्स आप नाम सुनेंगे तो आपको बेहद बड़ा सदमा लगने वाला है। राज की बात सुनकर अयान के चेहरे के एक्सप्रेशन कठोर हो जाते हैं। वो राज से कहता है, जो कुछ भी तुम कहना चाहते हो वो सब साफ साफ कहो। अपनी बॉस की कठोर आवाज सुनकर राज डर जाता है, लेकिन जल्दी ही खुद को कंट्रोल करके कहता है, बॉस वो और कोई नहीं बल्कि आपके बुआ का बेटा विशाल है, जिसे आप अपना बड़ा भाई मंत्री वो ही आपको धोखा दे रहा है। वो हमारी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे राइवल कंपनी को बेच रहा है, जिससे उसको बदले में ढेर सारे पैसे मिल रहे हैं, और उसी के वजह से हमसे पिछले महीने के बेहद सारे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट डील नहीं मिल पा रहे हैं। इतना कहकर वो चुप हो जाता है और एक नजर अपने बॉस की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन
नहीं थे उसके मन में क्या चल रहा है ये बता पाना मुश्किल था। वो जब थोड़ी देर बाद भी अपने बॉस का कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो अयान से कहता है, बॉस अब हमको आगे क्या एक्शन लेना है। अनाया और रावी अपने पीछे सबको हैरानी में छोड़कर वहां से चली गई। जाते टाइम अनाया ने सुरभि के 3 कसरेशन देख लिए थे, वो उसको गुस्से से कांपते देख खुश थी। अनाया और रावी स्कूल के गेट के बाहर आकर अलग अलग हो गई। रावी अपने घर चली गई और अनाया अपने घर जाने के लिए निकल गई क्योंकि दोनों के घर अलग अलग डायरेक्शन में थे। आज अनाया बेहद खुश थी, पे उसकी ये खुशी उसके पास बस कुछ पल के लिए ही थी। अनाया आज पैदल ही घर जा रही थी क्योंकि स्कूल से उसका घर कुछ पल की दूरी पर ही था। अनाया को रास्ते में एक अंदर दिखाई देता है, उसको देखकर वो उस मधुर की तरफ गई। इस मंदिर के आसपास बेहद ही शांति और पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही थी जिस अनाया की सारी थकान चली गई, साथ में वो रिलैक्स भी हो गई। अनाया मंदिर के बारे बैठने को बनाए गए चेयर से पर शांति से बैठी थी कि तभी उसके सर पर कोई हाथ रखता है, जिसको महसूस कर वो अपना चेहरा ऊपर कर उस इंसान को देखने की कोशिश करती है तो उसके सामने एक दिव्य पुरुष उसको बैठे हुए दिखता है। उनसे उसको एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी। वो दिव्य पुरुष जब अनाया का ध्यान अपनी तरफ पाकर वो उससे कहता है, पुत्री मैं देख सकता हूँ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर बेहद बड़ा खतरा मंडरा रहा है, हो सके तो तुमको अपने 21 साल तक होने तक ये से कहीं दूर जाना चाहे जहाँ पर तुम्हारे दुश्मन न पहुँच सके, उनको तुम्हारे बारे कुछ भी न पता चल सके। मैं देख सकता हूँ कि पिछली बार तो तुम्हारे ऊपर खतरा जब तुम 19 की हो गई थी तब आया था, पर अब तुम्हारे रिबॉर्न के बाद सब बदल गया है। तुमने बेहद सारी ऐसी घटना थी जो तुम्हार पिछले जन्म जो गई थी उनको तुमने इस बार बदल दिया है, जिससे तुम्हारे दुश्मन के सब प्लान विफल हो गए है, इसलिए वो बौखला गया है। इसलिए अब आगे वो जो भी करेगा जिससे तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर जो खतरा अब से 5 साल बाद आने वाला था वो अब बेहद तेजी से तुम्हारे तरफ बढ़ रहा है। तुम अभी इतनी कैपेबल नहीं हो कि तुम अभी उसको रोक सकती हो। अभी तो तुमको अपने दुश्मनों के बारे में भी पता नहीं है कि कौन कौन है जो तुमको मरना चाहते हैं। उसी के साथ तुम अपना बदला पूरा किए बिना और जिस हेतु तुम्हारा जन्म हुआ है उसको पूरा किए हुए नहीं मर सकती, और अगर ऐसा हुआ तो बेहद बड़ी आपदा आने वाली जिसके चलते पूरी मानव जाति संकट में आ सकती है। इसलिए तुमको अपने परिवार को लेकर यह से कहीं दूर जाना होगा और तुम लोग अपने किसी भी करीबी रिश्तेदारों से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकती हो, ये याद रखना। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुश्मन बने बैठे हैं तो अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखना। किसी पर भी आसानी से बारिश मत करना, कौन कब तुम्हारे पीठ में खंजर खोफ दे ये कह नहीं सकते हैं। तुम उस दिव्य हीरे की रक्षक हो जिसकी तुम्हारे पूर्वजों ने अपनी प्राण की प्रवाह किया बिना रक्षा की है, तुमको भी उसे प्रोटेक्ट करना है। इसलिए तुमको ये से बेहद दूर जाना होगा जहाँ जाकर तुमको खुद को इतना प्यारफुल बनाना होगा कि कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। वो दिव्य तेजस्वी हीरा 5 साल बाद अपने बाहर आने वाला है, तब तक तुमको इतना काबिल होना होगा कि तुम उसकी रक्षा कर सको। अभी के लिए तुम इतना ही जान लो तो ठीक है, आगे का तुमको आगे पता चल जाएगा। अनाया तो अपने सामने के दिव्य महापुरुष की बातें सुनकर शोक ही हो गई थी, लेकिन वो उनसे कुछ कहती या कुछ कह पाती उससे पहले ही उसके आंखों के सामने महापुरुष एक सफेद कलर के पक्षी में बदलकर वहां से दूर चले गए, पीछे छोड़ गए अनाया को, जो कि अभी भी उनके कहे गए बातों के बारे में ही सोच रही थी। वही दूसरी तरफ जब अयान को पता चल कि उसको भाई ही उसको धोखा दे रहा है तो उसको उस पर बेहद गुस्सा आया। वो अपने सामने खड़े अपने असिस्टेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है जिसके बाद उसका असिस्टेंट वहां से चला जाता है। अयान राज के जाने के बाद अपनी चेयर से उठकर उसके केबिन में बने बड़ी सी कांच की विंडो के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उस कांच से बाहर देखने लगता है। इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, इस बारे में पता लगाना मुश्किल था, पर इतना जरूर था कि वो अब जो भी करने वाला था वो कुछ बड़ा ही था।
विक्रांत राजावत अपनी कार को ड्राइव करके जंगल की तरफ के जा रहा था। उसके चेहरे एक्सप्रेशन बेहद ही सख्त थे। थोड़ी ही देर में विक्रांत राजावत की कार जंगल के बीचों बीच बने हुए एक खंड के आगे आकर रुकती है। विक्रांत अपनी कार से उतरकर उस खंड के अंदर चला जाता है। खंड के अंदर जाते ही उसको अपने सामने थ्री दीवार दिखाई देती है, को की टूटी फूटी हालत में थी, पर वो सिर्फ दिखने से ही टूटी फूटी लग रही थी, पर असल में वो टूटी फूटी हालत में नहीं थी, बल्कि उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया था जैसे किसी अनजान को लगे कि वो टूटी हुई है, पर असल में वो बस एक नजर का छलावा था। विक्रांत उन थ्री दीवार में से बीच वाली दीवार के आगे जाके रुकता है। वो उस दीवार पर 5 बार टैप करता है। उसके ऐसे करते ही वो दीवार अपने आप ही अपने जगह से हिलने लगती है। कुछ ही सेकंड में विक्रांत के आगे एक डोर दिखाई देता है जो कि दीवार के अपने जगह से हिलने से दिखाई दे रहा था। विक्रांत उस डोर पर लगा हुआ सिक्योरिटी लॉक अनलॉक करके उस डोर के अंदर चला जाता है। उसके उस डोर के अंदर जाने के बाद वो डोर अपने आप बंद हो जाता है। उसी के साथ वो दीवार भी फर्ज अपने पहले के स्थान पर पहले जैसी हो गई थी। विक्रांत डोर के अंदर एंटर होने के बाद उसके सामने क्या है क्या नहीं ये उसको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस रूम में अंधेरा था जिससे कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। विक्रांत अपने कदम आगे बढ़ाकर टू बार क्लैपिंग करता है। उसके ऐसे करने से उस रूम में रोशनी हो जाती है जिससे उस रूम की हर एक चीज आसानी से देखी जा सकती थी। विक्रांत ने उस रूम के अंदर सेंसर लगाया थे जिसको बस विक्रांत ही कंट्रोल कर सकता था। ये बस एक रूम थी, एसी ही 5 और रूम उस खंड में हाईटेक सिक्योरिटी के साथ डिजाइन की हुई थी। विक्रांत इस रूम को अच्छे से देखता है। शायद वो जो ढूंढ रहा था वो वहां पर नहीं था जिससे उसका चेहरा काका पर जाता है। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। वो किसी पर वो अपना गुस्सा उतरना चाहता था, पर वो पहले की तरफ अपनी ही चीजों की तोड़फोड़ नहीं करना चाहता, इससे उसका ही नुकसान था। ये बात वो अच्छे तरह से जान चुका था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसके असिस्टेंट ने उसके हाथ पर एक अच्छी खासी बिल की रिसिप्ट दी थी जो कि उसके केबिन को फिर पहले के जैसे बनाने का बिल था। इसलिए वो अब अपने गुस्से से अपना ही नुकसान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसी ही रूम में बने दूसरे कमरे में चला जाता है जहां पर उसको जी चाहिए था वो वहीं पर था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। विक्रांत जब दूसरे रूम में एंटर करता है तो उसके सामने एक 15 साल का लड़का अपने घुटने में अपना सिर छुपा के बैठा था। वो लड़का डर से कप रहा था। उस रूम में ज्यादा रोशनी नहीं थी, उस रूम में सिर्फ एक डिम लाइट जल रही थी जिसके रोशनी में उस लड़के की डर से कांपता शरीर आसानी से देखा जा सकता था। वो लड़का डोर के खुलने की आवाज से ही विक्रांत से छुपने के लिए उसी रूम में बने दूसरे कमरे आ गया था, पर जब अब विक्रांत को इस रूम में देखकर उसको बेहद डर लग रहा था। विक्रांत जब हर बार यह पर आता था तो वो इस मासूम बच्चे को बेहद बुरी तरह से पिटता था, जिस इस लड़के की हालत बेहद बुरी हो जाती थी। उसको देखने के लिए ये पर कोई भी नहीं होता था। विक्रांत उसको देखकर अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लेकर उसकी तरफ बढ़ ही रहा था। विक्रांत के कदम अपनी तरफ आते देख वो लड़का जो अपना सर अपने घुटनों में रखकर बैठा था को पहले से ही डर के मारे कांप रहा था वो, और डर जाता है जिससे उसके माथे से पसीना आने लगता है। विक्रांत उससे बस 2 ही कदम की दूरी पर था कि तभी विक्रांत के फोन पर किसका कॉल आ जाता है, जिसे देख विक्रांत झुंझलाहट में अपने पॉकेट से फोन निकल कर देखता है तो फोन की स्क्रीन पर बॉस नाम शो हो रहा था, जिसे देख के विक्रांत के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। विक्रांत को थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि उसका बॉस यानी कि महेश मेहरा उसको किसी जरूरी काम या उसकी तरफ से कोई गलती होने के बाद ही कॉल करता था। वैसे उसको कभी भी उसके तरफ से कॉल नहीं आती थी, सिर्फ काम की बात छोड़कर बिचर बिना समय गवाए कॉल उठाकर फोन को अपने कान से लगा लेता है। फोन की दूसरी तरफ से महेश मेहरा की ठंडी और डरावनी आवाज उसके कान में पड़ती है, जिससे एक पल के लिए तो
विक्रांत के पसीने ही छूट गए थे, पर वो जल्दी ही खुद को नॉर्मल कर अपनी बॉस की बात सुनने लगता है जो उससे कह रहा था कि विक्रांत, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि उस हर्षवर्धन मित्तल ने तुम्हारे प्रोजेक्ट प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, तुमने जो फॉरेन क्लाइंट था उस जॉनसन को मारने का प्लान बनाया था, वो भी फेल हो गया, और तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी बताया तक नहीं। ये सब मुझे बाहर से पता चल रहा है, तुम लोग खुद को समझते क्या हो। मैं 2 दिन में इंडिया आ रहा हूँ, मुझे हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। इतना कहकर महेश मेहरा बिना विक्रांत की कोई भी बात सुने बिना ही उधर से कॉल रख देता है, जिसे देख विक्रांत राजावत को अपने बॉस यानी कि महेश मेहरा पर गुस्सा तो बेहद आता है। उसका बस चले तो वो अभी फोन में घुस कर ही उसका मुंह तोड़ देता, पर बेचारा अब क्या कर सकता है, ऐसा उसके चाहने से हो तो नहीं सकता था ना। विक्रांत महेश मेहरा को गली देते हुए उस कमरे से बाहर चला जाता है। वो उस खंड से निकलकर अपने विला चला जाता है। उसके वहां से जाते ही जो लड़का अपने घुटने में सर रखकर डर से कप रहा था, वो अपने हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, ये शिवजी थैंक यू, अपने आज मुझे उस जल्लाद से बचाया, आप प्लीज मेरी बहन को मेरे पास बेच दो ना, जो मुझे इससे बचा लेगी। माँ कहती थी मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया, तो मेरी बहन जरूर आएगी, वो बस मुझसे कुछ ही मिनट बड़ी ही, प्लीज उसको जल्दी बेच दो ना प्लीज। इतना कहकर वो अपने घुटनों में फिर से अपना सिर रखकर रोने लगता है। श्रेया जो इस वक्त अपने कमरे में थी, ज्यादा थके होने के कारण वो अपने रूम में आते ही सो गई थी। तभी उसको अपने सपने में कोई बच्चा जो कि उसी की उम्र का था, जो रो रहा था, वो उसे बुला रहा था उसको उस कैद से छुड़ाने के लिए। उस बच्चे की रोने की आवाज और उसकी पुकार सुनकर श्रेया जट से अपने नींद से उठकर बेड पर बैठ जाती है। इस वक्त वो पूरी पसीने से नहाई हुई लग रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था उसको आज ऐसा सपना क्या आया, इससे पहले तो कभी भी उसने ऐसा सपना नहीं देखा था। उसको बस किसी ओरा की आवाज आती थी जो उसको पुकारती थी, पर आज कुछ अलग ही सोना उसने देखा था। वो अपनी ही ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसका ध्यान ही नहीं दिया उसके रूम में भी कोई है, ये कोई और नहीं बल्कि उसके डैड हर्षवर्धन मित्तल थे। उनको जब पता चला अनाया घर पर आई है, पर उसने किसी से भी बात नहीं की, सीधा अपने रूम में चली गई है। साथ में उसने किसी को भी उसको परेशान करने के लिए नहीं कहा। जब हर्षवर्धन जी को ये बात पता चली तो वो घबरा गए। उनको लगा अनाया सुबह हुए इंसिडेंट की वजह से अपसेट है। वो उसके पास जाना चाहते थे, पर वो उसको थोड़ा टाइम देना चाहते थे, इसलिए वो अपने स्टडी रूम में चले गए। वो बाद में उससे बात करने का सोचते हैं, पर जब उन्होंने देखा कि शाम के 6 बजे है और उनकी प्रिंसेस अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आई, तो वो उसके रूम के बाहर जाकर डोर नोक करते हैं, पर अंदर से उनको कोई रिस्पांस नहीं आता। तो वो थोड़ा देर जाते हैं, वो उसको आवाज देने लगते हैं, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। तो वो नौकर रूम की डुप्लीकेट की लाने को कहते हैं। उसके बाद वो डुप्लीकेट की से डोर ओपन करके अंदर आ जाए है, तो उनको सामने उनकी प्यारी प्रिंसेस गहरी नींद में सोई हुई दिखती है, जिसे देखकर उनके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ जाती है। नौकर जो अपने मिस के डोर न खोलने पर परेशान था, जब वो देखता है उनकी मिस ठीक है, तो उसके भी सांस में सांस आती है। हर्षवर्धन जी उसको वहां से जाने को कहते हैं, साथ में ही अनाया के लिए उसके पसंदीदा कुछ बनाने को कहते, ताकि जब वो सोकर उठे उसे भूख लगे तो खा सके। नौकर भी अपने साहेब की बात सुनकर अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। ये नौकर जिसका नाम दीनू था, वो हर्षवर्धन जी का बेहद ही बरिसेमंद था। दीनू अनाया की मॉम को अपनी बहन के जैसे मानता था, इसलिए वो अनाया से बेहद प्यार करता था। उसके लिए वो उसके बहन की अनखी निशानी थी, जिसने उसके जैसे अनाथ को अपना भाई बनाया था। हर्षवर्धन जी दीनू के जाने के बाद श्रेया के पास जाके उसके बाल सहलाने लगते हैं, और वो खुद से ही कहते हैं, प्रिंसेस आप बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, वो भी ऐसी ही दुनिया से बेखबर सोती थी। इतना कहकर वो चुप हो जाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती है। आज उनको अपनी मरी हुई वाइफ की बेहद याद आ रही थी।
वो अपनी बेटी को देखकर वहीं पर उसके बेड के सामने वाले सोफे पर बैठ जाते हैं इसके नींद से जगने का इंतजार करते हुए। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी बेटी को ऐसे डर कर जागता हुआ देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। उनकी बेटी पूरी पसीने से नहाई हुई थी। वो जल्द से सोफे से उठकर कर उसके पास जाके उसको गले लगाकर उसकी पीठ थपथपाने लगते है। वो उसे रिलैक्स करने लगते हैं। वो उससे कहते हैं, प्रिंसेस क्या हुआ आपको, आपको इतना पसीना क्या आ रहा है, क्या आपने कोई डरावना सपना देखा है। हर्षवर्धन जी लगातार उससे प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रहे थे। उनकी आवाज से श्रेया होश में आती है और उसको ध्यान अपने डैड के घबराए हुए चेहरे पर जाता है तो वो खुद को नॉर्मल करके अपने डैड से कहती है, डैड रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, वो बस बुरा सोना देखा था और अब ठीक हूँ। उसके कहने पर उसके डैड उसके बालों पर अपना हाथ फिरा कर उससे कहते हैं, प्रिंसेस आप सच में ठीक है ना। जिस पर अनाया अपने डैड का हाथ अपने हाथ में लेके कहती है, हाँ डैड मैं ठीक हूँ। अनाया के डैड उससे कहते हैं, प्रिंसेस जाओ आप पहले फ्रेश होकर आओ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपने डैड की बात पर अनाया बस अपना सिर हिला देती है और उनकी तरफ देखकर कहती है, डैड मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप यहीं पर बैठिए, मैं यूं गई और यूं आई। ऐसा कहकर वो तेजी से अपने बेड से उठकर बेडरूम में घुस जाती है। उसके ऐसे करने से उसके डैड के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो खुद से ही कहते हैं, राशि दिल्ली आपकी सारी हरकतें हमारी बेटी में है, वो बिल्कुल आपकी ही जैसी है। वो ये सोच ही रहे थे कि तभी अनाया के रूम का डोर नोक होता है, जिसे देखकर हर्षवर्धन जो कोई भी डोर के बाहर है उसे अंदर आने को कहते हैं तो रूम का डोर खोले दीनू अंदर आता है। उसके हाथ में अनाया के मन पसंदीदा स्नैक्स थे और हर्षवर्धन जी के लिए उनकी फेवरेट कॉफी। हर्षवर्धन जी उसको वो सब सोफे के पास वाले टेबल पर रखने को कहते हैं। वो सब वहां और रख कर दीनू वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अनाया फ्रेश होकर बेहद ही खूबसूरत फ्रॉक पहनकर बाहर आती है, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी। अनाया सीधा जाकर अपने डैड के पास सोफे पर बैठकर अपने सामने रखे हुए खाने को अपनी ललचाई नजर से देखने लगती है। उसको ऐसा करता देखकर हर्षवर्धन जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अनाया की तरफ देखकर कहते हैं, प्रिंसेस आपके लिए ही है सब, पहले आप कुछ खाओ फिर हम बात करते हैं। अपने डैड की बात सुनने के बाद अनाया अपना सर हमें हिलाकर खाने पर टूट पड़ती है, जिसे देखकर हर्षवर्धन जी कहते हैं, प्रिंसेस आराम से खाओ, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा है। जिस पर अनाया कहती है, ओके डैड पर ये सब इतना टेस्टी है ना, मैं क्या ही बताओ आपको, आप खाएंगे। हर्षवर्धन जी कहते हैं, नहीं प्रिंसेस आप खाओ। अनाया स्नैक्स का मजा ले रही थी और हर्षवर्धन जी कॉफी पीते हुए अपनी लाडली बेटी को खुशी के साथ स्नैक्स एंजॉय करते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर बाद अनाया और उसके डैड स्टडी रूम में एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों के ही चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त बेहद ही सीरियस दिखाई दे रहे थे। अनाया के डैड उससे कुछ कहते उससे पहले ही अनाया उस रूम की शांति को बंद करते हुए अपने डैड से कहती है, डैड मुझे यहाँ पर नहीं रहना। उसने बस इतना ही कहा था कि हर्षवर्धन जी के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कॉमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माय स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।